लोकसभा उपचुनाव के नामांकन का खुला खाता, एक ने किया नामांकन। शुक्रवार को 8 लोगों सहित अब तक 27 लोगों ने खरीदा पर्चा। सेल्स टैक्स के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ब्रांच ने मारा रेलवे पार्सल गोदाम पर छापा, भारी मात्रा में बिना कागजात के सामान बरामद। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बाढ़ आपदा राहत की बैठक, बाढ़ के दौरान हुए क्षतिपूर्ति को दिए जाने का डीएम ने दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश का बजट हुआ पेश, लोगों की अलग अलग राय के साथ बजट विशेषज्ञ ने दी समग्र जानकारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा की पवित्रता और शुचिता बनाए रखने को लेकर देश भर छात्र छात्राओं को संबोधित किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन सहित कई महाविद्यालयों में हुआ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। गोरखपुर उपचुनाव में 2913 सर्विस मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से मतदान करने की दी जाएगी सुविधा। 3 दिवसीय मलखम प्रतियोगिता का हुआ समापन, गोरखपुर की टीम को प्रथम तो बस्ती की टीम को मिला दूसरा स्थान, विजयी खिलाड़ियों को SSP ने किया पुरस्कृत। गोरखपुर विश्वविद्यालय समाज शास्त्र विभाग द्वारा PG में प्रवासी भारतीयों का सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक चिंतन विषय पर आयोजित हुआ विशिष्ट व्याख्यान। महानगर गोरखपुर के बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई पार्टी की बैठक, उपचुनाव पर हुआ मंथन। शुक्रवार को GDA ने कैंप लगाकर राप्ती नगर विस्तार योजना के 6 आवंटियों को दिया कब्जा, अब तक 293 आवंटियों को मिल चुकी है उनकी जमीन। दिग्विजयनाथ PG कॉलेज द्वारा भारत में मनोविज्ञान के उभरते क्षेत्र एवं संभावनाएं विषय पर आयोजित हुआ विशिष्ट व्याख्यान। उप निर्वाचन की तैयारी में दृष्टिगत जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने अधिकारियों संग विभिन्न बूथों पर स्थलीय निरीक्षण करके तैयारियों का लिया जायजा। GST से व्यापारियों को हो रहे समस्याओं को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला, वक्ताओं ने कहा अभी सुधार की है जरूरत। जिला प्रशासन ने की 17 फरवरी को सभी शैक्षणिक संस्थानों में मतदाता जागरूकता से संबंधित रैली आयोजन करने की अपील। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी 21 फरवरी की शाम पहुंचेंगे गोरखपुर, 22 फरवरी को गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन की तैयारियों का करेंगे समीक्षा। शहर को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा दूसरे दिन भी जारी रखा नालों की सफाई का अभियान। निर्विरोध चुने गए सभी नगर निगम मार्ग प्रकाश कर्मचारी संघ के पदाधिकारी। और लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी के अंतर्गत सम्मान की लड़ाई में एनी रेलवे ने दबंग को 7 विकेट से हराया, वहीं CAG ने BSNL को प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 280 रनों से रौंदा।